अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.4 मैथमेटिकल मेथड्स की हम कर रहे थे। 10.4 एक्सरसाइज 10.4 का फर्स्ट पार्ट जो है वो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जो कि कॉशी आयलर्स इक्वेशन मेथड के नेम से अपलोड किया गया है। इस 10.4 वीडियो पार्ट 1 का लिंक जो है वो इसी एक्सरसाइज जो अभी वीडियो आप देख रहे हैं इसी की डिस्क्रिप्शन में वो लिंक जो है वो दिया हुआ है। आप वहाँ से लिंक पे क्लिक करके 10.4 पार्ट 1 पे जा सकते हैं। 10.4 पार्ट 1 में कॉशी आयलर्स इक्वेशन का पूरा जो है वो ब्रीफली आपको सारा मेथड बता दिया गया है उसके अंदर, और उसी के अंदर 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व कराया गया डिटेल में। तो पहले आपने जो है ये क्वेश्चन, ये वीडियो स्टार्ट समझने से पहले, पूरी वीडियो देखने से पहले आपने 10.4 वीडियो पार्ट 1 जो कि कॉशी आयलर्स इक्वेशन मेथड के नेम से वो चेक करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जब वो आपको पार्ट 1 वाली वीडियो समझ आ जाए क्योंकि उसमें डिटेल में क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, उसके बाद आपने इस वीडियो को कंटिन्यू करना है। तो 10.4 का पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। कॉशी आयलर्स इक्वेशन दी हुई है क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स डी है और सिंपल वाई है। स्टेप 1, सबसे पहला आपने स्टेप 1 क्या करना है कि सब्सटीट्यूट करना है एक्स को ई रेज टू पावर टी के, और ये जो पेंसिल से काम किया हुआ है ये बैक सब्सटीट्यूशन एंड में यूज़ करनी है हमने। अभी हम x की जगह पे t वेरिएबल इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो जब पूरी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी तो आंसर t में आ रहा होगा, तो क्वेश्चन तो t में नहीं था इसलिए हम t की वैल्यू को यहाँ से लेके t की वैल्यू को वापस पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्वेश्चन x में, आंसर x में चला जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर डेल इंटू डेल माइनस वन होता है, एक्स डी हमारे पास सिंपल डेल होता है, डेल्टा भी कहते हैं इसको। ये दोनों वैल्यूज़ और एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर टी, ये सारी वैल्यूज़ आपने इस इक्वेशन में यूज़ कर ली। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह हमारे पास आ जाएगा डेल डेल माइनस वन, माइनस थ्री एक्स डी की जगह पे माइनस थ्री डेल्टा, प्लस फाइव की जगह पे प्लस फाइव वाई, एक्स स्क्वायर की जगह पे इस एक्स का स्क्वायर यानी ई रेस टू पावर टू टी, साइन एल एन ऑफ एक्स, साइन एल एन ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है टी के। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद इसको रीअरेंज किया है, सिंप्लीफाई किया है। स्टेप 2 में हमने कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड करने का मेथड अगेन एंड अगेन आपको पिछली सारी एक्सरसाइज में मैंने बताया है, 10.1 में भी, 10.2 में भी, 10.3 में भी। स्टेप 3 में पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है उसी तरीके से जैसे हमने 10.2 की है। तो 10.4 करने से पहले 10.2 समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं यहाँ पे वो मेथड एक्सप्लेन नहीं करूँगी अब, तो यहाँ पे सिर्फ आपको मेथड दिखाया गया है ताकि आप इजीली जो है वो इस क्वेश्चंस को समझ सकें। जब सॉल्व करने बैठे हैं तो कोई प्रॉब्लम आए तो आप यहाँ से उसको, अपनी मिस्टेक को फिगर आउट कर सकें। पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर लिया यहाँ पे सारा एक्सरसाइज 10.2 के मेथड से। एक्सरसाइज 10.2 के मेथड से हमने यहाँ पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड किया है। ये एक्सरसाइज करने से पहले अगेन एंड अगेन मैं आपको बता रही हूँ एक्सरसाइज 10.2 आपने करनी है। जैसे ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड हो जाए पर्टिकुलर और कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन को ऐड अप करना है आपने, ऐड अप करने के बाद जनरल सॉल्यूशन मिल गया। अब जो जनरल सॉल्यूशन मिला ये टी की फॉर्म में, तो हमें यहाँ से टी रिमूव करना है। तो टी रिमूव करने के लिए वो जो बैक सब्सटीट्यूशन वहाँ पेंसिल से मैंने शुरू में बताई है वो टी की वैल्यू यहाँ पुट करें। टी की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे अब सिर्फ हमने रीअरेंजमेंट्स किए। हमें पता है ई और एल एन एंटी प्रोसेस होते हैं ये एक दूसरे के, और ये जो टू हमारे पास एल एन के कोफिशियंट में ये एक्स की पावर में चला जाता है। तो यहाँ पे सिंपल ये टू जो है वो एक्स की पावर में चला जाएगा और बाकी कैंसिलेशंस करके आपका ये जनरल सॉल्यूशन एक्स की फॉर्म में आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर टू के बाद अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर थ्री पे। क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास थोड़ा जनरल सा है, इसमें कॉन्स्टेंट कोफिशियंट्स नहीं है, एम आ रहा है, तो इससे कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली सब्सटीट्यूशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर टी लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे देखें आपके पास एक्स रेस टू पावर एम है, दोनों साइड पे एम अप्लाई करेंगे तो ई रेस टू पावर एम टी हो जाएगा। अब जब सारा क्वेश्चन हम ये सॉल्व कर लेंगे जनरल सॉल्यूशन में तो आंसर टी में आ रहा होगा, तो टी की वैल्यू लेनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स। दोनों साइड पे एल एन लगाएं, एल एन लगा के कैंसिलेशन एल एन ई वन होता है और टी पावर जो है नीचे आ जाएगी, तो एल एन एक्स हमारे पास टी, बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर टू में बताया आपको। एक्स डी हमारे पास डेल्टा के इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन के इक्वल होता है। ये सारी वैल्यूज़ आप इस पूरी इक्वेशन में पुट करें, पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है सिंपल। अब स्टेप टू में क्या करना है, ये जो भी सिंप्लीफाइड इक्वेशन आई है इसकी होमोजीनियस इक्वेशन लिख के इसके रूट्स बनाने हैं हमने। अब जब रूट्स बनाएंगे हम इसके, तो ये किसकी इक्वेशन है, डेल की इक्वेशन है, तो
तो डेल की इक्वेशन हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा वो डेल का लगेगा। जैसे ही हमें रूट्स मिले हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिख लिया बिल्कुल एक्सरसाइज 10.1, 10.2, 10.3 के तरीके से। स्टेप टू में अब हमने इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल ये जो इक्वेशन है इसमें y के कोफिशियंट को यहाँ ला के 1/1 की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। ये थोड़ा सा ब्लर है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं आपको रजिस्टर से डायरेक्टली करा रही हूँ, क्योंकि ये पेजेस पे लिखने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और इतना टाइम जो है वो अवेलेबल नहीं होता कि वो वीडियो पे हम लगा सकें, तो इसलिए जो है वो फॉर क्विक मैंने यहाँ पे आपको रजिस्टर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ ब्लर आएंगे, उसके लिए आपने क्या करना है कि खुद से ये क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे हैं, जहाँ आपको समझ ना आए, जहाँ आप स्टक हो जाएं, तो यहाँ से थोड़ा बहुत आप हिंट ले सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल शिफ्ट लगता है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल 10.2 वाले मेथड मैंने यूज़ किए हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही, 10.2 आप समझेंगे, 10.2 समझने के बाद इन क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस को ऐड अप करके जनरल सॉल्यूशन लिखना है। जनरल सॉल्यूशन में टी की जगह पे वैल्यूज पुट करेंगे, जो हमने टी इक्वल एलन एक्स आया हुआ था वो वैल्यू यहाँ पुट करनी है। एलन की प्रॉपर्टी होती है कि उसका कोफिशियंट एक्स की पावर में आ जाएगा और एलन और ई कैंसिल होकर सिर्फ बचेगा एक्स रेज टू पावर एन। सिमिलरली सबके साथ इसी तरह से हमने सिंप्लीफाई किया। इसी तरह से अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास ln माइनस एक्स है, ln x नहीं है, x लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब है x नेगेटिव है, तो x को e रेस टू पावर t नहीं लेना, हमने माइनस x को e रेस टू पावर t लेना है। दोनों साइड पे ln अप्लाई करेंगे तो t इक्वल आ जाएगा ln माइनस x के। एक्स डी हमारे पास डेल्टा है और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर डेल स्क्वायर माइनस डेल है। सारी वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करें। सब्सटीट्यूट करने के बाद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद एसोसिएटेड इक्वेशन बना के रूट्स निकाल के कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन बना लिए। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन बनाने के बाद इसकी जो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में y के कोफिशिएंट को यहाँ जाके डिवाइड करके उससे हम फाइंड करेंगे इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मेथड वही है जो 10.2 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो 10.2 को आपने फॉलो करना है, पहले समझना है और फिर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। उसी मेथड से 10.2 के मेथड्स को यूज़ करके पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड किया। पर्टिकुलर सॉल्यूशंस फाइंड करने के बाद पर्टिकुलर और कॉम्प्लीमेंट्री को ऐड अप करना है। ऐड अप करने के बाद अब आंसर टी में आ रहा है तो इसको वापस एक्स में कन्वर्ट भी करना है, तो टी को हम किससे रिप्लेस करेंगे, एल एन माइनस एक्स से। तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ एल एन माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाएगा। जैसे ही आप एल एन माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ एक दफ़ा। यहाँ देखिए आपके पास क्या आ रहा है, ई रेस टू पावर 3/2 टी, ई रेस टू पावर 3/2 एल एन माइनस एक्स। एल एन की प्रॉपर्टी होती है कि ये टर्म पावर में चली जाती है, तो एल एन माइनस एक्स की पावर 3/2, एल एन और ई कैंसल तो बचा माइनस एक्स की पावर 3/2। इस वे से आपने हर क्वेश्चन में यही चीज़ यूज़ हो रही है, इस वे से आपने इसको सिंप्लीफाई करके वापस एक्स में ले। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बिल्कुल सिमिलरली उसी तरीके से एक्स की वैल्यू को हम लेंगे ई रेस टू पावर टी, एल एन अप्लाई करेंगे दोनों साइड पे ताकि टी की वैल्यू मिल जाए, एक्स डी की वैल्यू, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू, सब वैल्यूज़ यहाँ सब्सटीट्यूट करें। सब्सटीट्यूट करने के बाद आपने अपनी इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के बाद यहाँ से फैक्टर्स निकाले, फैक्टर्स निकाल के कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन लिख लेना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए y के कोफिशिएंट को यहाँ जाके डिवाइड कर दें और यहाँ पे अब आपके पास दो टर्म्स ऐड हो रही हैं तो दो फ्रैक्शंस बन जाएंगी। दोनों फ्रैक्शंस बनने के बाद सेपरेटली सब पे इन पे मेथड अप्लाई होगा, एक्सरसाइज 10.2 वाला मेथड अप्लाई करने के बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड होने के बाद उसको कॉम्प्लीमेंट्री के साथ ऐड अप करें तो आपको जनरल सॉल्यूशन मिल गया। जनरल सॉल्यूशन में अब जहाँ जहाँ आपके पास टी आ रहा है वहाँ वहाँ टी की जगह पे एल एन एक्स की वैल्यू पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करें तो आपको ये फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 में भी इसी तरह से किया गया, ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा ब्लर है। ये आप क्वेश्चंस अब आपको मैंने 10.4 के पार्ट 1 में मार्कर पेन से राइटिंग में मेथड समझा दिया, तो अब आप उसको फॉलो करते हुए आप क्वेश्चंस खुद कर सकते हैं।
जहाँ आप स्टक हों या मिस्टेक आ जाए तो तब आप इनको जो क्वेश्चंस ये ब्लर हैं आप थोड़ी बहुत हेल्प यहाँ से ले सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बाकी सारे 5 क्वेश्चंस हमने किए हैं उसी तरीके से ये क्वेश्चंस भी कर लें। यहाँ जस्ट मैंने आपको इनका सोल्यूशन दिखा रही हूँ ताकि आपको अगर कहीं पर डिफ़िकल्टी होती है तो आप इसको फॉलो कर सकें। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेवन में भी इसी तरह से सब्सटीट्यूशंस लेनी है। सब्सटीट्यूशंस यहाँ पे क्यूब की भी है तो एक्स क्यूब डी क्यूब की सब्सटीट्यूशन भी यूज़ करेंगे। हाईएस्ट डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर है तो 3 फैक्टर्स आएंगे आपके पास, 3 फैक्टर्स का कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के बाद इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन लिखेंगे। पर्टिकुलर सोल्यूशन लिखने के बाद जनरल सोल्यूशन आएगा दोनों को ऐड अप करके। जनरल सोल्यूशन में टी को हम रिप्लेस करेंगे एक्स की फॉर्म में और फाइनल आंसर आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही मेथड यूज़ किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे देखें ln x प्लस 1 है तो x को e रेस टू पावर t नहीं लेना, अब x प्लस 1 को e रेस टू पावर t लेना है। दोनों साइड पे ln अप्लाई करेंगे तो ln x प्लस 1 t की जगह आ रहा है, ठीक है। अब जब हम पहले कर रहे थे क्वेश्चंस तो ये x d बाई डी एक्स था, अब यहाँ क्या है x प्लस 1 d बाई डी एक्स है, वो किसके इक्वल होता था डी टी बाई डी एक्स के, यहाँ से डी बाई डी टी के, यहाँ से हम पहले निकालेंगे डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 1 ओवर एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 होता है। अब चेन रूल लगाएंगे डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो सिंपल जो डी है वो इक्वल हो जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप x प्लस 1 को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करें तो x प्लस 1 इंटू डी किसके इक्वल आ गया सिंपल डेल्टा के। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास dy वाई बाई डी एक्स फाइंड हुआ है इसका दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे d बाई डी एक्स ऑफ dy वाई बाई डी एक्स, और dy वाई बाई डी एक्स इसके इक्वल आया था dy वाई बाई डी एक्स। वैल्यू पुट करने के बाद अब जब आप डेरिवेटिव लेंगे x का इन दोनों का तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले आप 1 ओवर x प्लस 1 का डेरिवेटिव और dy वाई बाई डी टी एज इट इज प्लस 1 ओवर x प्लस 1 एज इट इज और d बाई डी एक्स किसका dy वाई बाई डी टी का, ये टर्म एज इट इज चल रही है, यहाँ काम होना है। अब जब यहाँ काम होना है तो यहाँ क्या आएगा आपके पास d बाई डी एक्स किसके इक्वल है 1 ओवर x प्लस 1 dy वाई बाई डी टी के, dy वाई बाई डी टी एज इट इज, तो ये दोनों कंबाइन होकर डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर बन गए, ठीक है। अब x प्लस 1 होल स्क्वायर दोनों के साथ है तो ये आप मल्टीप्लाई कर ले लेफ्ट साइड पे जाके, तो ये बचा माइनस डी वाई बाई डी टी प्लस डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, तो ये माइनस डेल्टा है और ये प्लस डेल्टा स्क्वायर है, तो ये वैल्यू हमें मिल गई है, एक ये वैल्यू और एक पीछे एक वैल्यू जो हमारे पास आई ये वाली, ये वैल्यूज हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन में पुट करके उसको रीअरेंज करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन बना के कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लेना है, फिर इसी का पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के बाद पर्टिकुलर सोल्यूशन और कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन को ऐड अप करके जनरल सोल्यूशन, और फाइनली टी की वैल्यू वापस हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे ln x प्लस 1 तो हमें यहाँ से आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 में अब देखें यहाँ 2x प्लस 1 है, x नहीं है तो 2x प्लस 1 को e रेस टू पावर t लेंगे, दोनों साइड पे ln अप्लाई करेंगे तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई, तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी 2x 1 ओवर 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 2 आता है तो वो यहाँ लिखा है। dy वाई बाई डी एक्स हमें ये वैल्यूज चाहिए तो dy वाई बाई डी एक्स चेन रूल dy वाई बाई डी टी डी टी बाई डी एक्स, तो वैल्यूज पुट करेंगे हम यहाँ पे, वैल्यूज पुट करके यहाँ पे हमें 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 1 टाइम्स d हमारे पास किसके इक्वल आया 2 डेल्टा के, ये 2 डेल्टा के इक्वल आया। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए तो d2y टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे आएगा d बाई डी एक्स ऑफ dy वाई बाई डी एक्स, और dy वाई बाई डी एक्स dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल ली है, ये वैल्यू यहाँ पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद अब d बाई डी एक्स पहले इसका फिर ये एज इट इज फिर 2 ओवर 2 प्लस 2x प्लस 1 एज इट इज और फिर इस dy वाई बाई डी टी का d बाई डी एक्स, बिल्कुल इसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन में भी किया। वैल्यूज पुट करें, वैल्यूज पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई किया तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, अब यहाँ पे 2x प्लस 1 स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। जो भी वैल्यूज आपको मिली हैं इसको अपने मेन क्वेश्चन में पुट करें,
पुट करने के बाद इसको रीअरेंज करें, एसोसिएटेड इक्वेशन बना के कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड किया है, फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करके दोनों को एडअप कर लें, कॉम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर को एडअप करने के बाद ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन आया हुआ है। एडअप करने के बाद हम क्या करेंगे कि जनरल सोल्यूशन जो मिलेगा वो एक्स टी की फॉर्म में होगा, तो टी की जगह पे हम एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे। टी की वैल्यू आपने यहाँ निकाली हुई है, क्या है, एल एन एक्स टू एक्स प्लस वन, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ एल एन टू एक्स प्लस वन सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमने सॉल्व करनी है ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे आपको कुछ कंडीशंस भी दी हुई है, इस कंडीशंस का मतलब ये है कि जो हमारे पास कांस्टेंट्स एंड में बचते हैं सी वन सी टू, वो वैल्यूज फाइंड करेंगे, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें एग्जैक्ट पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलेगा। सबसे पहले हमने उसी तरीके से कॉशी आयलर इक्वेशन है तो सब्स्टिट्यूट करना है एक्स को ई रेस टू पावर टी, फिर दोनों साइड पर एल एन अप्लाई करके टी की वैल्यू ले ली, एक्स डी को पुट करना है डेल्टा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को पुट करना है डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन, ये जो भी वैल्यूज आई हैं इसको इस मेन इक्वेशन में पुट करें और यहाँ से एसोसिएटेड इक्वेशन बना के फैक्टर्स बना के कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन ले लें। फिर इस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन से हम पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करेंगे बिल्कुल एक्सरसाइज 10.2 के मेथड से। पर्टिकुलर सोल्यूशन और कॉम्प्लीमेंट्री को ऐड करें, ऐड करने के बाद टी की वैल्यू को यहाँ पुट करें जो कि एल एन एक्स है, टी की वैल्यू यहाँ एल एन एक्स पुट होगी, पुट होने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई होने के बाद अब ये जो इक्वेशन है इसके अंदर हमने ये कंडीशंस यूज़ करनी है, एक फंक्शन पे और एक उसके डेरिवेटिव पे। तो इस मेन इक्वेशन ये जो आपका आंसर फाइंड किया है इसका डेरिवेटिव ले लें एक दफ़ा। डेरिवेटिव लेने के बाद ये आपका डेरिवेटिव आ रहा है। पहली कंडीशन क्या है कि y ऑफ 1 1 है, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1, तो x की जगह 1 और y की जगह 1 पुट कर लें तो ये इक्वेशन है। दूसरी क्या है कि y प्राइम की वैल्यू -6 पुट करनी है और x की वैल्यू 1 इस मेन इक्वेशन में। वैल्यूज पुट करने के बाद ये दो जो इक्वेशन आई हैं इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके C1 और C2 फाइंड कर लें अपनी इस मेन इक्वेशन के अंदर। जो मेन इक्वेशन आपने y फाइंड किया इसके अंदर पुट करें C1 और C2, तो ये आपको सोल्यूशन मिल गया। क्वेश्चन नंबर 11 में भी इसी तरह से, सबसे पहले आप उसी मेथड से जैसे पूरी एक्सरसाइज हमने की है डिटेल में आपको बता दी है, सब्स्टिट्यूशन करें, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करें, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करके फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करें, कॉम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर सोल्यूशंस को एडअप करें, एडअप करने के बाद जो फाइनल इक्वेशन बचती है इसका डेरिवेटिव लें, क्योंकि एक कंडीशन आपके पास फंक्शन की है और एक डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव फाइंड, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करें यहाँ पे। डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद पहली कंडीशन यूज़ करें x की जगह 1 और y की जगह 1, फिर दूसरी कंडीशन यूज़ करें कि डेरिवेटिव की जगह 0 और x की जगह 1। दोनों कंडीशन यूज़ करके दो इक्वेशंस आईं, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके C1 और C2 फाइंड किया, उसको अपने वापस अपने y में पुट करके यहाँ से सोल्यूशन फाइंड कर लिया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 भी आप इसी तरीके से करेंगे जैसे बाकी सारे क्वेश्चंस किए हैं। ये देख लें पूरी एक्सरसाइज जिस मेथड से की है उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी करना है आपने। जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन में अब आपके पास तीन कंडीशंस हैं, एक y पे, y प्राइम पे, y डबल प्राइम, तो दो दफ़ा डेरिवेटिव लिया हुआ है। पहली कंडीशन y पे है यानी x की जगह 1 और y की जगह 2, दूसरी कंडीशन फर्स्ट डेरिवेटिव पे है यानी y प्राइम की जगह -3 और x की जगह 1, y डबल प्राइम की जगह 0 और x की जगह 1। वैल्यूज डालें और तीन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके C1, C2, C3 फाइंड कर लें और उसको अपनी मेन जो आपका जनरल सॉल्यूशन आया था उसके अंदर पुट करें, तो आपको ये अपना सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। आई होप आपको एक एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। इस एक्सरसाइज में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो जल्दी जल्दी कराई गई हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में 10.2 का कंप्लीट मेथड यूज़ हो रहा था और 10.2 में आपको वो सारे पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के मेथड डिटेल में कराए हैं। तो इस एक्सरसाइज को समझने से पहले 10.2 आपने लाजमी करनी है। ये सारी एक्सरसाइज 10 चैप्टर की इंटरलिंक्ड हैं। So I hope everything is clear to you. Don't forget to subscribe my channel and also share karein and keep watching for more videos. It will be highly appreciated agar aap mera channel dusron ke sath bhi share karenge aur se like karenge aur comments mein apna feedback lazmi jo hai wo mujhe dijiyega. Thank you so much.